अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ कायनात खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्राइमर की वीडियो लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि प्राइमर कौन कौन से अच्छे होते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्राइमर होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा बेहतर है। ये है नोट्स का प्राइमर, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इनमें से कौन सी आपकी स्किन पर अच्छा चल लग सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, यह है एसेंस का प्राइमर। तो प्राइमर के बारे में, इसके अलावा जितने भी जो भी प्रोडक्ट होती है कॉस्मेटिक की, हर किसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप करें देखें तो मैं आपको, इनमें से तीन ऐसे प्राइमर हैं जो बहुत बेस्ट हैं। ये है नॉर्ड्स का प्राइमर। ये लग के देखें कितनी स्किन पे ग्लो आ जाती है, जिसकी ड्राई स्किन है वो भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर तो ऑयली स्किन वाले लगाते हैं कि ऑयल ना हो, पर ये ड्राई जिनकी हो वो भी लगा सकते हैं, ड्राइनेस हमारी ख़त्म हो जाती है। या मार्केट में देखें बहुत सारे प्राइमर होते हैं जो कि हमें खुद को भी नहीं पता होता, जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होता हमें, या हमें प्राइमर के बारे में मालूम नहीं होती कि कौन सा प्राइमर अच्छा होता है। मैंने आप लोगों को इसलिए ये प्राइमर दिखाए कि अगर आपको इस तरह के प्राइमर हो तो आप लोग नहीं लें। आप लोग देखें, एक चीज़ ले लें, दो ले लें या तीन ले लें ज़्यादा से ज़्यादा, पर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि बहुत बेस्ट हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये सारे प्राइमर दिखाएँ और फिर मैंने आप, और देखें प्राइमर जो है ना, ये इस तरह होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ऑयल कंट्रोल के लिए लगते हैं। ये प्राइमर इस तरह होते हैं कि हम इसको ड्राई स्किन जिसकी हो रही हो, तो आपने देखा होगा विंटर में हमारी ड्राइनेस इतनी होती है कि हमने उसमें अगर थोड़ा सा हमने प्राइमर लेके पूरे फेस पर लगा दिया तो वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। ये ग्लैमर का प्राइमर, आपको पता है आपको कोई भी कभी भी आपको कोई मतलब प्राइमर ना लें, आपने ये तीन प्राइमर लेने, एक नॉर्ड्स का, ठीक है, एक एसेंस का लेने, और अगर आपको ये दोनों नहीं भी मिल रहे तो आप एक प्राइमर ये वाला ले लें, ग्लैमर। और देखिए मैंने आप लोगों को, अगर मैं बोलूँ तो आप लोग एक भी प्राइमर ले सकते हैं। आप भले नहीं लें, एसेंस का ना लें, नॉर्ड्स का नहीं लें, आप ग्लैमर का ले लें। पर देखिए कभी कभी इस तरह होता है कि हमें ग्लैमर का प्राइमर नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप नॉर्ड्स में, नॉर्ड्स का, एसेंस का, ग्लैमर का, इन तीनों में से आप कोई सा भी प्राइमर एक ले सकते हैं। इंशाल्लाह, मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ या अच्छे नहीं हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप यूज़ करके, क्योंकि देखें बास चीज़ें हम लोग भी अब किसी की वीडियोस वगैरह देख के ले आते हैं पर वो चीज़ अच्छी नहीं होती। इंशाल्लाह आपको मैं जो चीज़ बताऊँगी वही बताऊँगी जो मैंने खुद यूज़ की है। तो चले मैं आपको बताती हूँ इसको कितने मिनट के लिए लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अगर हमने बहुत ज़्यादा लगा लिया तो हमारी फाउंडेशन हो, बीबी क्रीम हो या स्टिक हो, वो हमारे फेस पे मतलब लगेगी नहीं सही से। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा लेना है, बहुत थोड़ा भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। जितना सा मैंने लिया है दिखाया आपको, इतना सा लेके आपने इस तरह पूरे फेस पे लगाना है। जिस तरह मैंने लगाया है, लगाने के बाद छोड़ा है, आपने भी हमेशा इसी तरह छोड़ना है 5 से 10 मिनट। आपने इस पर फ़ौरन से कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी है, ना आपने इस पर स्टिक, ना फाउंडेशन, ना बेबी क्रीम। अब इस तरह के बहुत सारे प्राइमर हो मार्केट, उन सबसे जान चुराएं, और आप लोग ये ग्लैमर का, नॉर्ड्स का और एसेंस का प्राइमर मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको कोई इसमें से एक अवेलेबल ना हो, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग ग्लैमर का यूज़ करें। एक प्राइमर ले लें और आप पार्टी वेयर के हिसाब से ब्राइडल, यानी जो प्रोफेशनली मेकअप करते हैं वो सब ग्लैमर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लैमर का बहुत बेहतर होता है और अफोर्डेबल प्राइस होते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सकें। आपको मुझसे जो भी पूछना है मेकअप से रिलेटेड, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।